नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तर आप देख रहे हैं डियर डॉग। मेरे पास है पोको M4 5G। यहां पर आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 का प्रोसेसर, विच इज 6 NM प्रोसेसर। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 15,000 से, 4/64 GB जो मेरे पास है। तो बजट में मुझे लगता है ये बहुत ही एक बढ़िया प्रोसेसर है। अगर GPU देखा जाए, यहां पर आपको माली G57 MC2 GPU देखने को मिलता है। रैम रोम अगर देखा जाए, रैम है LPDDR4X एंड रोम है UFS 2.2। ठीक ठाक है, इस बजट रेंज के हिसाब से मैं बोलूँगा काफ़ी सही है। बैटरी यहाँ पर आपको दिया गया है 5 mAh का बैटरी है, 33 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, 6.6 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले विद 90 Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240 Hz का टच सैम्पलिंग रेट, मतलब टच सैम्पलिंग रेट काफ़ी बढ़िया है इस डिवाइस में। तो चलिए थोड़ा बहुत गेमिंग रिव्यू करते हैं, आपको बताते हैं इस डिवाइस का गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। सो BGMI का जल्दी से मैं थोड़ा बहुत सेटिंग्स पे जाकर आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं। तो यहां पर HD हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, HDR या फिर दूसरा चीज़ अवेलेबल नहीं है। सो बाकी सब सही है, तो चलो थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं गेम प्ले। Asphalt 9, जी हाँ, ये बहुत पसंदीदा गेम है एंड ये काफ़ी हाई ग्राफिकल गेम भी। और मैंने देखा ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन है जहाँ पर Asphalt 9 उतना अच्छे तरीके से नहीं चलता, अटक अटक के चलता है, लेकिन ये वाला डिवाइस में वैसा कोई दिक्कत नहीं हो। एक तो डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया, टच रिस्पॉन्स 240 Hz का टच रिस्पॉन्स है, उसके साथ साथ 90 Hz का डिस्प्ले है, तो विच इज़ प्रेटी गुड। तो ओवरऑल ये वाला गेम काफ़ी अच्छे से लोड भी हो गया है एंड गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव है, और मैंने एक दो सेशन खेला, वॉक्स प्रेटी फाइन विदाउट हैविंग एनी इशू। तो चलो अभी खेलते कॉल ऑफ ड्यूटी। यार ये मेरा बहुत ही पसंदीदा गेम है एंड मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, और ये गेम बहुत अच्छा ऑप्टोमाइज है। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लो एंड डिवाइसेस में ये वाला गेम काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है एंड ये वाला डिवाइस भी उसका एक्सेप्शनल नहीं है। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से कॉल ऑफ ड्यूटी खेला एंड काफ़ी टाइम के लिए खेला एंड आई जस्ट एंजॉयड दिस गेम। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, इस डिवाइस में आराम से खेल पाएंगे विदाउट हैविंग एनी इशू एट ऑल। Enemy contact! तो चलिए अभी थोड़ा बहुत फ्री फायर खेल के दिखाते हैं। ये भी काफ़ी हाई ग्राफिकल गेम है एंड बहुत कोई लाइक PUBG या फिर BGMI का सब्स्टिट्यूट ढूंढते वो आप फ्री फायर के हिसाब से खेल सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे कमेंट्स आ सकते हैं। भाई मैं पहले बता दूँ, मेरे को गेमिंग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने देखा है जब PUBG भी बनता था बहुत सारे लोग फ्री फायर खेल लेते हैं। अभी भी ऐसे फ्री फायर के लिए एक अलग फैन बेस है। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है फ्री फायर खेलना। मैं जितना खेलता हूँ फ्री फायर BGMI सब मिला के खेलता हूँ, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक गेम में बहुत ज़्यादा खेलता हूँ।
डिवाइस में वैसा कुछ हीटिंग इशू मुझे अभी तक नज़र में नहीं आया है, काफ़ी ठंडा है। और जैसे नॉर्मल जो परफॉर्मेंस में मैंने जितना अभी तक गेम खेला है उसमें इस डिवाइस में वैसा कोई हीटिंग इशू नहीं नज़र में आया। सो अगर देखा जाए मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 का जो प्रोसेसर है विच इज़ प्रीटी गुड प्रोसेसर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग इज कंसर्न अंडर 15,000 रुपीज़ में, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 6 NM का प्रोसेसर मिलता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है। एंड अभी अगर बैटरी परसेंटेज देखा जाए विच इज़ 35%, तो मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया था अराउंड 45% पे और 1 घंटे के आसपास हो गया मैं गेम खेल रहा हूँ। सो ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस भी मैंने देखा है बहुत बढ़िया इस डिवाइस में। तो अगर आप एक गेमिंग डिवाइस ढूंढ रहे हैं अंडर 15,000 रुपीज़, डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट, इट्स अ वेरी गुड डिवाइस इन टर्म्स ऑफ गेमिंग इज कंसर्न। एंड उसके साथ साथ टच रिस्पॉन्स, 90Hz डिस्प्ले, एंड और एक चीज़ है इसका जो डुअल स्टीरियो स्पीकर है वो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा, तो साउंड एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है ऑन दिस डिवाइस। तो गाइस ये था डिटेल्ड गेमिंग रिव्यू ऑफ पोको M4 प्रो 5G। आपको कैसा लगा वीडियो डेफिनेटली कमेंट करके मेरे को बताना, और इस वीडियो में अभी तक लेते हैं। दिस योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डाटा, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।